तो ये है अपने पास में T2 Pro Vivo का बहुत ही बढ़िया मॉडल है, वाइट कलर का बॉक्स रहेगा, 8GB 256GB इसका रैम रोम रहेगी, ठीक है। तो उसकी आज हम उसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, ये भी अपने कस्टमर को सेल किया है तो बहुत ही बढ़िया पीस है। चलो उसकी अनबॉक्सिंग करके देखते हैं, कस्टमर के सामने अनबॉक्सिंग करके दिखा रहे हैं, ठीक है, तो कस्टमर को भी समझ में आएगा। ये रहेगा अपना Vivo T2 Pro। वैसे कस्टमर को मैंने खोल के दिखाया था, ये काम कर रहे उसको साइड में रखते हैं, क्योंकि फोन को मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। या ये मेरा नंबर रहेगा, इसका ये ट्रे रहेगा, ठीक है, जिसके ऊपर फोन रखा जाता है, और ये रहेगा सिलिकॉन कवर। तो सिलिकॉन कवर वीवो हर फोन के साथ में दे रही है, तो बहुत बढ़िया बात है, उसको साइड में रखते हैं। ये रहेगा इसका यूजर मैनुअल, और ये रहेगा उसका चार्जर। तो देखिए इसका जो चार्जर रहेगा बहुत ही बढ़िया रहेगा, फ्लैश चार्जर रहेगा, तो उसका अपन टेस्टिंग करके प्रैक्टिकली अपन देखेंगे, ठीक है। तो उसका अपन एक अलग से वीडियो में आपको बना के दिखाऊंगा, तो इसको साइड में रखते हैं। ये रहेगी उसकी टाइप सी केबल रहेगी, और ये रहेगा सिम इजेक्टर रहेगा, बाकी इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। पूरा ओपन करके दिखा दिया, अभी मैं उसको वापस से डालता हूँ, और अभी मैं आपको फोन के बारे में पूरा डिटेल में बताऊंगा। देखते इसकी जो क्वालिटी है, क्वालिटी कितनी खास है, सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो चलो इन सभी को साइड में रखते हैं। ये रहेगा अपना फोन, देखिए Vivo T2 Pro बहुत ही बढ़िया मॉडल है, यानी कि इतना पीस प्रीमियम लग रहा है, अगर आप हाथ में लोगे तो आपको ऐसा फील नहीं होगा कि ये आपके पास में फोन है। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही शानदार है, गोल्डन कलर का इसकी जो शाइनिंग रहेगी बैक कलर में, ठीक है। और ये रहेगा इसका जो करट डिस्प्ले रहेगा, और इसकी जो डिस्प्ले की साइज़ है बहुत ही अच्छी है, डिस्प्ले की साइज़ काफ़ी ठीक ठाक है। तो उसको अभी अपन चालू करते हैं, चालू करने से पहले मैं आपको स्पेसिफिकेशन दिखाता हूँ। तो ये देखिए, ये रहेगा सिम स्लॉट का ऑप्शन रहेगा, और ये रहेगा अपना टाइप सी पोर्ट रहेगा, और ये ये स्पीकर रहेगा, ठीक है। और साइड में आप देखिए, यहाँ पे पावर ऑन ऑफ का बटन रहेगा, यहाँ पे वॉल्यूम प्लस माइनस का बटन रहेगा, ऊपर की तरफ पूरा फ्लैट नजर आएगा, यहाँ पे माइक रहेगा, ठीक है, और इस साइड में पूरा फ्लैट आपको दिखाई देगा। तो अभी मैं आपको फ़ोन स्टार्ट करके मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, और देखते इसकी जो क्वालिटी है, क्वालिटी कैसी है, इसके जो कैमरा की क्वालिटी कैसी है, इसके अंदर फंक्शन क्या क्या है, इसकी जो ब्राइटनेस है क्या क्या, मैं आपको A to Z क्लियर करके मैं आपको दिखाऊंगा। स्टार्ट क्लिक इंडिया कंट्री सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे पूरा का पूरा एग्री वाला करते हैं, सेटअप ऑफलाइन करते हैं। अभी अपन सिम डालेंगे नहीं, क्योंकि कस्टमर को अभी बेच रहे हैं, उनको कैमरा दिखाएंगे वगैरह सब कुछ दिखाएंगे। यहाँ पे एक्सेप्ट कर दिया है, और यहाँ पे अभी अपन कुछ करेंगे नहीं, एग्री कर दिया, नेक्स्ट कर दिया, और नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ पे अपन सेलेक्ट कर दिया, ये वाला सेलेक्ट कर दिया, कॉन्ग्रेचुलेसन अपना फोन चालू हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले अपन इसका ब्राइटनेस चेक करेंगे, क्योंकि फर्स्ट एंड ऑल इसका ब्राइटनेस चेक करना जरूरी है। तो ये देखिए इसका ब्राइटनेस रहेगा, यानी कि कम ब्राइटनेस में अगर आप देखोगे फिर भी आपको दिखेगा। तो इसका जो ब्राइटनेस की जो पीक है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, ठीक है। तो अभी आपको दिख रहा होगा मैं क्या कर रहा हूँ, तो ये ब्राइटनेस इसका अभी अपन मीडियम कर देते हैं, वैसे मीडियम ही रखिएगा, क्योंकि इसका जो बैटरी हेल्थ है बहुत ही गुड है। इसका जो अगर बैटरी की बात कर ही लिए, तो इसकी जो बैटरी है 6600 mAh बैटरी रहेगी, बहुत ही बढ़िया बैटरी रहेगी, और उसका जो चार्जर रहेगा वो 66W का वो चार्जर रहेगा, ठीक है। तो अभी सबसे पहले अपन सेटिंग में जाते हैं, और सेटिंग में जाने के बाद में देखिए यहाँ पे मेन फंक्शन पे जाएंगे, यहाँ पे एंड्रॉयड 13 का वर्जन रहेगा, ठीक है, 5 साल तक सिक्योरिटी अपडेट आएंगे, अगर अपडेट करोगे तो एंड्रॉयड 14 वर्जन भी आपको मिल जाएगा। 2.8 GHz डायमेंसिटी 7200 ऑक्टा कोर इसका प्रोसेसर रहेगा, ठीक है, और रैम रहेगी 8GB रहेगी, 256GB मेमोरी रहेगी, और एंड्रॉयड वर्जन 13 रहेगा। तो अभी इसका एक काम कैमरा चालू करके देखती है। तो कैमरे की बात करें तो इसके जो पीछे का जो कैमरा रहेगा वो 64MP का कैमरा रहेगा, और यहाँ पे 2MP की लेंस रहेगी, यहाँ पे फ्लैश रहेगी। तो अपन प्रैक्टिकली मैं आपको कैमरा चालू करके मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। और फ्रंट वाला कैमरा अगर आप देखो तो ये 16MP का कैमरा रहेगा। तो मैं आपको सबसे पहले बैक वाला जो कैमरा है उसको मैं चालू करके मैं आपको दिखाता हूँ, और देखती है 64MP की जो इसकी जो क्वालिटी वो कैसी आ रही है। देखिए यहाँ पे एग्री करते हैं, क्योंकि नया फोन है, तो देखिए ये रहेगा 64MP का कैमरा रहेगा, ठीक है। ये एक कस्टमर जो सामने खड़ा है, उनकी जो क्वालिटी है वो कैसी आ रही है आप देख सकते हो, तो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी आ रही है। एक बार मैं फ़ोटो क्लिक करता हूँ, उसको मैं आपको जूम करके दिखाऊंगा, ठीक है। ये अपने फ़ोटो क्लिक कर दी, यहाँ पे एग्री कर देते हैं। अभी अपन देखिए इसका जो लाइटिंग है वगैरह बहुत ही शानदार और बहुत ही झकास लग रहा है, ठीक है। तो इसका जो कैमरा क्वालिटी है 64MP का बहुत ही ज़बरदस्त है, और प्लस अगर वीडियो शूट करोगे तो इसमें आपको HD की सुविधा भी मिलेगी, 4K क्वालिटी से भी शूट कर सकते हो, ठीक है। तो अभी अपन फ्रंट कैमरे में आते हैं, तो फ्रंट कैमरा आप देख सकते हो, ये रहेगा अपना फ्रंट कैमरा रहेगा। तो फ्रंट कैमरा इसकी जो क्वालिटी है वो कैसी आ रही है देखिए, मैं फोटो पे जाता हूँ। यहाँ पे पोर्ट्रेट का भी ऑप्शन है, पोर्ट्रेट का भी मोड आपको देखने को मिलेगा, नाइट का भी मोड देखने को मिलेगा, और प्लस वीडियो शूट भी कर सकते हो। वीडियो शूट में देखिए यहाँ पे आपको HD क्वालिटी भी मिलेगी और 720 क्वालिटी भी मिलेगी, हाँ 4K क्वालिटी आपको देखने को नहीं मिलेगी फ्रंट कैमरे में। अगर आप 4K क्वालिटी चाहते हो तो बैक कैमरे से शूट कीजिए, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया कैमरा 16MP का कैमरा रहेगा, वैसे 16MP के हिसाब से इसकी जो क्वालिटी आ रही है बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है। वैसे अगर आप ऑनलाइन खरीदना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके विजिट कर सकते हो, अगर आप ऑफलाइन खरीदना चाहते हो मेरे स्टोर से तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इंस्टाग्राम पर जाके विजिट कीजिए। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। ओके, धन्यवाद।